कि सूचना का मामला तेहरान से, बता दें चाइना के लिए जा रही थी फ्लाइट, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की मांगी थी अनुमति, करीब 50 मिनट तक विमान दिल्ली के एयर स्पेस पर रहा होल्ड, वही विमान को उतारने की नहीं दी गई अनुमति, एक घंटे बाद चाइना के लिए रवाना हो गया विमान, वही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ATC को भी सतर्कता वश दी गई थी सूचना, संदिग्ध फ्लाइट पर भारतीय वायुसेना का बयान, बम की खबर के बाद फ्लाइट को किया गया मॉनिटर, बता दें सुखोई ने विमान को एक्सकॉर्ट कर भारतीय एयर स्पेस से खदेड़ा, बम की खबर से चार देशों में हड़कंप की स्थिति मच गई, लाहौर ATC ने दी थी ये बता दें सबसे पहले ही जानकारी, सबसे पहले लाहौर ATC ने खबर दी, दिल्ली में उतरने की इजाजत नहीं मिली, भारतीय वायुसेना से बाहर, भारतीय वायुसीमा से बाहर ईरान का विमान है और भारतीय एयर स्पेस से बाहर ईरान का विमान, भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की। तो अब इस पर वायुसेना का भी बयान सामने आ गया है, कहा कि मॉनिटर किया गया और खदेड़ दिया गया, सुखोई ने एक्सकॉर्ट करके खदेड़ दिया, सबसे पहले लाहौर ATC ने यह जानकारी दी थी, भारतीय वायुसीमा से बाहर ईरान का ये फ्लाइट था, आपको बता दें बम की खबर से चार देशों में हड़कंप की स्थिति मच गई। और इस बीच भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हो गया।